दोस्तों आपने वैसे तो बहुत से लोगों की प्यार की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने प्यार में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कपल की कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुनकर आप शॉक्ड जाएंगे। ये बात है अफ्रीका के सेनेगल की। वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़का खादिम जो कि अपने गर्लफ्रेंड के एग्जाम देने के लिए उसके सेंटर पहुँच गया, और वहाँ पर एग्जाम देने के लिए उसने पहले वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, फिर उसने लड़की का मेकअप किया और उसके बाद वहाँ पर एग्जाम देने गया ताकि वो पूरा का पूरा लड़की दिखे और किसी को भी उस पर शक ना हो। 2-3 दिन तक उसने एग्जाम भी दिया, लेकिन जब 4th दिन वहाँ के टीचर को इस पर शक हुआ तो उसकी जांच पड़ताल की गई और ये पाया गया कि ये लड़की नहीं है तो लड़का है। फिर उस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई भी आंच नहीं आने दिया। उसने बोला कि उसने जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया है, इसमें उसकी गर्लफ्रेंड की कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि पुलिस जो है उसकी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे थे कि उसने ऐसा क्यों करवाया, लेकिन सारी की सारी बात जो है खादिम ने अपने ऊपर ले ली। सो क्या आप लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं? प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो पर कर दीजिए लाइक एंड कमेंट, चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।